जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गया एक नई वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से ड्राइंग देखना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से किसी भी बिल्डिंग का जो ड्राइंग है वो आप देखना सीख जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और एंड तक देखिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताने वाले ड्राइंग कैसे देखें। तो चलिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मेरे इस ड्राइंग पर, और देखिए मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप ड्राइंग देखना सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बिल्डिंग का जो है ये ड्राइंग दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर वो सब कुछ लिखा हुआ है स्टेप बाई स्टेप, जो कि कितने का बीम आएगा, कैसे लिंटर आएगा, किस प्रकार से RCC में वो जो है सेंटिंग लगेगी। जी हाँ दोस्तों, बीम कैसे है? तो आपको जो ब्लैक में दिख रहे हैं दोस्तों, ये तो है कॉलम। आपको ध्यान रखने से यहाँ पर दोस्तों ये कॉलम्स हैं, यहाँ पर लिखा नहीं होता है कि ये कॉलम है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात ज़रूर देखने को मिलेगी इस बिल्डिंग के ड्राइंग में, जो लिफ्ट है वहाँ पर ज़रूर लिखा हुआ लिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, लिफ्ट जो है वहाँ पर लिखा होगा लिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, ये आपने देखा होगा ये 40B80, ये इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊँगा। पूरा बिल्डिंग का नक्शा आपको देखना इस वीडियो में आपको पूरा देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से देखिए 49A से देखिए 49D तक। जी हाँ दोस्तों, ये एक ही लाइन है, तो ये एक लाइन है, तो इसमें मतलब ये बीम आई यानी बीम आने वाला है। तो इस बीम को किस प्रकार से देखते हैं, यहाँ पर नहीं है, इसका बहुत लंबा प्रोसेस है। देखिए ये सरिये का प्रोसेस। मैं आज आपको सिर्फ इतना ही बताऊँगा कि इस वीडियो में कि आप जो इस बिल्डिंग में जो सरिये लगने वाले हो किस प्रकार से देखते हैं। दोस्तों ये तो सर बिल्डिंग का वो है, किस प्रकार से बॉटम लगेगा, किस प्रकार से आपके सरिये लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात अब मैं आपको दिखा दूं कि ये जो इस कॉलम से इस कॉलम के बीच में कैसे कैसे सरिये आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद आपको दिखाऊँ कि सेटरिंग किस प्रकार से लगी हुई है, इस पर जो लकड़ी के प्लेटें वगैरह लगती है वो किस प्रकार से लगाते हैं। वो इधर दे रखी है, देखिए ये इधर दे रखी है कि सेटरिंग किस प्रकार लगा। तो दोस्तों ये है जो कॉलम दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक, इनके बीच में यहाँ से ये देखिए, आपको यहाँ नंबर देखना है। यहाँ पर देखिए B49A लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए B49D, तो आपको B49A को देखना है यहाँ पर। देखिए ये है वो सरिये का पूरा है, जो किस प्रकार से उस दीवार पर आने वाला है, जो मैंने एक कॉलम से बताया था कि B49A, और यहाँ देखिए बी किधर गया, हाँ B49D। तो दोस्तों ये पूरा यहाँ पर प्रोसेस दे रहेगा, वो तो सिर्फ बिल्डिंग का था उसमें कौन कौन से, तो ये है सिर्फ सरिये का, जो आपके बिल्डिंग में लगने वाले सरिये है वो किस प्रकार से लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये B49 लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर दे रखा है इसका पूरा हिसाब। ये देखिए इस लाइन में कि किस प्रकार से सरिये लगेंगे, कितने सेंटीमीटर लगेंगे, और किस प्रकार मीटर में लगेंगे, कितने एक्स्ट्राज लगेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसके जो ऊपर टॉप में जो सरिये लगने वाले हैं ना, वो दोस्तों 2 तो 12 के लगेंगे और 1 16 का लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये जो टॉप में सरिये लगने वाला है, और इसके बाद जो दोस्तों ये देखिए इसके जो मतलब एक्स्ट्रा सरिये लगने वाले 3 16 के लगने वाले हैं, और ये आएंगे 1150 इधर से, इस बीम से आएंगे, और इधर से देखिए दोस्तों इस बीम पर लगने वाले 16 के 2 सरिये लगने वाले हैं इधर इस बीम से। तो दोस्तों नीचे देखिए, आप देख सकते हैं 1 12 का एक्स्ट्रा सरिया लगने वाला इधर से, और इधर गैप छूटेगा 550, इधर भी देखिए 550, ये गैप छूटने के बाद ये पूरा इसी प्रकार से आपको वो ड्राइंग में से नंबर देखना है कि 49 है कि 55 है या इतना है, कितने भी नंबर है आपको देखना है, वहाँ से सिर्फ 37 नंबर देखना है, वहाँ से आपको बिल्डिंग का नंबर देखना है कि उस जगह से कौन सा बीम कहाँ पर लगा है, उसके में कौन सा मेटल लगने वाला है, तो वो आप देख कर यहाँ आ सकते हैं।